डिस्कशंस करते हैं कुछ और पॉइंट्स में, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजेनोइड्स कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है वो हमारे लिए क्या है, बेंजेनोइड कंपाउंड्स कहलाएंगे, और उनकी हम आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं। तो हेडिंग डलेगा हमारा क्या रहेगा, नेमिंग ऑफ बेंजेनोइड कंपाउंड, बेंजेनोइड कंपाउंड। देखो बहुत इजी है, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, तो इसको बेंजीन ही बोल देंगे, पहला एग्जांपल। दूसरा, अगर ये हमारे पास बेंजीन है और ऊपर ओएच है, तो क्या इसको बेंजीन ऑल बोल सकते हैं, बेंजेन ऑल बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल है ही नहीं, ये क्या है, विनाइल अल्कोहल। और मैंने आपको पहले भी बोला था विनाइल अल्कोहल अपने आप में एक अलग फंक्शन ग्रुप होता है, होता है या नहीं होता? तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इस जगह इसको मैं बोलने की कोशिश करता हूं फिनोल। फिनोल क्या इसका कॉमन नेम है या आईयूपीएसी नेम है या दोनों है? दोनों है, तो फिनोल ही मैंने इसका नाम दे दिया, कोई दिक्कत? तीसरा, अगर यहां पर ओएच ऐसे दो हैं तो अब क्या नाम दिया जाए, सोच के बोलो, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? फिनोल, एक तो ये फिनोल हो ही गया, तो एक को फिनोल है और एक को ओएच हम अब ले नहीं सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन टू टू हाइड्रोक्सी फिनोल। तो ये एक अजीब सा पॉइंट है, जनरली हमारी आदत क्या थी कि अगर दो ओएच या तीन ओएच है तो हम उनको साथ लेने की कोशिश करते थे, यहां नहीं ले सकते क्योंकि एक ऑलरेडी फिनोल है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे सामने बन रहे हैं। अगर आपके पास ओएच यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, जहां से ओएच पास आता हो वहां से कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा करा आपने तो 3.5 डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल, ये इसका नाम होगा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? फोर्थ, फिफ्थ, अगर हम इस तरह का कोई देखते हैं ओएच और एनओ टू लगाते हैं और यहां एनओ टू लगाते हैं और यहां पर एनओ टू लगाते हैं, तो इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2.4.6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। कॉमन नेम इसका पिक्रिक एसिड है, आपने पढ़ी रखा है, 6 ओएच सी एच 3। क्या है इसका कॉमन नेम बता सकते हो, जल्दी से बोलो? क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल इसका कॉमन नेम है, लेकिन अभी क्या नाम आएगा इसका, 1 2 2 मिथाइल फिनोल। तो अगर कभी ऐसा देखने को मिल जाए तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2.4.6 2.4.6 ट्राई मिथाइल क्रिसोल, क्रिसोल नहीं फिनोल, सही है, हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? एट, अगर आपको केवल ये मिल जाए CH3 तो क्या नाम देंगे आप इसका, टॉलीन, टॉलीन, टॉलीन इसका आईयूपीएसी नेम भी है और कॉमन नेम भी है, इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, लेकिन टॉलीन ज्यादा बेटर है, मिथाइल बेंजीन।
पक्का? और अगर ऐसा कोई आपको मिल जाए, इसका कॉमन नेम क्या है बता सकते हो आप? मैसिटाइलिन। सही कहा आपने, फर्स्ट डे में यही करा था, मैसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है। याद करिए, इसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन की क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो ये मोसी वाली है, मोसी वाली इसलिए बोलता हूँ, इससे याद आ जाता है हमसे। तो चलिए, इसका आईयूपीएसी नेम अगर देना पड़े तो क्या दे सकते हैं हम? इसके दोनों बराबर रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस जगह हम इसका ये नाम 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या फिर 3, 5 डाई मिथाइल टोलुइन भी बोल सकते हैं। सही है, 10 OCS3, ये क्या है? ईथर है। तो इसको क्या बोला जाए, मेन चेन किसको लिए जाए? बेंजीन को। तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज? अगर यहां डबल बॉन्ड हो गया तो फिर तो फिनाइल ऑक्सी, फिनाइल हो गया ऑक्सी, और वो जो मेन चेन है उसका नाम, मल्टीपल बॉन्ड को मेन चेन में लेना जरूरी है उस तरह से। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन, इसमें समझ में आ रहा है आपको? क्या है इसका कॉमन नेम? एनी सॉल, याद है आपको? चलो वेरी गुड। तो एनी सॉल का आईयूपीएसी नेम इस तरह से आपको देना होगा। नेक्स्ट, अगर यहां पर OH भी है और OCH3 भी है तो कौन सा बड़ा फंक्शन ग्रुप होता है? OH के साथ फिनोल, समझ में आ रहा है? तो फिनोल बड़ा है तो इसको क्या बोलोगे आप? मिथॉक्सी, 1, 2, 3, 4, 4 मिथॉक्सी फिनोल बोलोगे या नहीं बोलोगे? यही बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज को और अप टू डेट रखिए। 11, एक और ले लेते हैं, 12 CHO बेंजल्डिहाइड, बेंजल डीहाइड। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? तो बेंजल्डिहाइड होने के साथ ही अगर यहां पर CHO हो गया और यहां OH हो गया तो क्या बोलोगे, कौन बड़ा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड या एल्कोहल? एल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड तो आएगा, फिर क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नंबरिंग यहां से होगी, बेंजल्डिहाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसका यूपीएससी नेम रखें आप, बेंजेनोइक एसिड, या सबसे अच्छा है या बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, बेंजोइक एसिड। CHO भी है और CH COOH भी है, कौन सा बड़ा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी बच्चों? 1, 2, 3, 4, 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा?
कॉमन नेम तो आप जानते हो, अपन ने क्या बना था, बेंजाइल बेंजल बेंजो, तो बेंजाइल क्लोराइड। अभी इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कॉमन नेम तो बेंजाइल क्लोराइड। क्लोरोमिथाइल बेंजीन। एक काम करें, इसको एज ए लोकेंट की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हैं अपन। दो ग्रुप हो गए, क्लोरो बेन और इधर क्या, फिनाइल मिथेन, क्लोरो फिनाइल मिथेन। क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ये भी हमारे लिए सही है इस जगह। मोर करेक्ट की बात करें तो कौन सा सही रहेगा, बराबर ही है, लेकिन फिर भी अगर मोर करेक्ट की बात करें तो इसमें ज्यादा लोकेंट आएंगे, इसमें कम लोकेंट आ रहे हैं, तो फिर वो ज्यादा सही होगा। मोर करेक्ट मेरे हिसाब से, मोर नंबर ऑफ लोकेंट्स आर प्रेजेंट। सही है, तो और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ आ रहे हैं। CH2OH, क्या होगा ये आईयूपीएसी नेम? वैसे तो आप बोल सकते हो बेंजीन कार्बिनोल, सही है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मिथेन पे ओएच भी, और ये तो बेन, इसका क्या हो जाएगा, फिनाइल फिनाइल मेथेनॉल, फिनाइल मेथेनॉल। लिखें इसको बराबर, CH2, इसमें भी यही होगा हमारे लिए, फिनाइल एक ही पोजीशन है, 1 to 2 पे ही आएगा, 1 पे तो आ नहीं सकता, और एथेनल, फिनाइल एथेनल। दिक्कत इसमें आ सकती है आपको, क्या करें, ये मेन चेन ले लिया आपने तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 2, तो 2 तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, बेन, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल, ये फिनाइल हो गया, और एथेनोन, एथेनोन से यही फील आएगी कि एथेनोन और 2 पे ही फिनाइल आ रहा है, अगर लिखना चाहो तो 2-फिनाइल एथेनोन। सही है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेंजीन में? आप मालूम है ऑक्सीजन से जो अटैच होता है उसको पहले लिखते हैं एस्टर में, लिखते हैं या नहीं लिखते, तो क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल एथेनोइट, या सुनो एक और,
अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। नहीं, मिथॉक्सी तो तब जब ये प्रेफिक्स होता, तो क्या हो जाएगा यहां पर? मिथाइल बेंजीन कार्बेनोइट। क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा था। अरे ये बात, मिथाइल बेंजीन कार्बेनोइट। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्या नाम होगा इसका? अब मिथॉक्सी आ जाएगा। मिथॉक्सी एल्केनोइट आता है, याद है आपको? मिथॉक्सी कार्बेनोइट। नोएट आएगा या कार्बेनॉइल आएगा? कार्बेनॉइल। कार्बेनॉइल सही है? पक्का कार्बेनॉइल? और आगे क्या लिखे? बेंजोइक एसिड लिखते हैं। ट्वेंटी थ्री। ओ यहां लिख रहा हूं मैं सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री लिख लिया। अब क्या लिखा जाए? इसका हो जाएगा, पहले हमारे पास था कार्बन ऑयल, तो ये क्या हो जाएगा? एथेन ऑयल। एथेन ऑयल, एथेनॉयल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। सही है, एथेनॉयल ऑक्सी। पोजीशन तो हाँ बिल्कुल, वन टू थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? थ्री, वन टू थ्री। अब सही है, पोजीशन तो बिल्कुल जरूरी है। थ्री एथेनॉयल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। NH2, NH2 एमीन होता है, लेकिन यहां इसका आईयूपीएसी नेम नहीं, कॉमन नेम को ही आईयूपीएसी ले लिया, एनिलीन। सही है, एनिलीन। 25 एक और लिखते हैं। लिखते जाओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ANILINE है। इसका क्या होगा? वन टू थ्री, थ्री मिथाइल एनिलीन। 26 इसका क्या नाम होगा? जल्दी से बोलो प्रबल, इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल सही है, वन टू थ्री, क्योंकि OH बड़ा ग्रुप है, तो थ्री एमिनो फिनोल।
ये हमारे पास हो गया एमाइट, क्या नाम होगा? क्या बोलेंगे इसको, मेन चेन बेंजेमाइट बोल सकते हैं, या मैं इसका नाम बेंजीन अपनी लैंग्वेज में लेना चाहता हूं, बेंजीन कार्बोक्सेमाइट। कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा तो बेंजीन ज्यादा सही है, बेंजीन कार्बोक्सेमाइट, बेंजीन कार्बोक्सेमाइट सही है, लिख लीजिए बेंजीन कार्बोक्सेमाइट। इसका क्या नाम होगा? एन इथाइल, एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सेमाइट। लिखिए ये भी एक तरह का कीटोन है, कीटोन ही है और क्या, क्या आईयूपीएसी नेम होगा? इस जगह हो जाएगा डाई फिनाइल, डाई फिनाइल कीटोन, कॉमन नेम ही आईपीएसी में लेना पड़ेगा, डाई फिनाइल कीटोन या बेंजो फिनोन। कॉमन नेम है इसका बेंजोफिनोन, डाइफिनाइल कीटोन। तो इस हिसाब से हमारा वो नाम जो था उसको हम ये भी नाम ले सकते थे, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कराया था। मोर करेक्ट की तरफ जाएं तो मिथाइल फिनाइल, पी पहले आता है एम, एम तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये उसका मोर करेक्ट लिखो आप, मिथाइल फिनाइल कीटोन। आ गई बात समझ में? आईयूपीएसी है, वहां चेंजेज करो और इसको और करेक्ट की तरफ लिखो, फिनाइल मिथाइल फिनाइल कीटो, उसी में जो आपने थोड़ी देर पहले लिखा है। कुछ कुछ समझ में आया? तो बहुत इजी है, कौन से नंबर का हो गया ये? 30। तो 30 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल आपने मेरे साथ समझ लिए, जो कि बहुत जरूरी है। लिखो क्या बोलोगे इसके, बिल्कुल बेंजीन थायोल, बेंजीन थायोल लिखते जाएं। क्या यूपीएससी नेम आएगा इसका? क्या इसको बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोनाइल या कार्बोनिल क्लोराइड? बोलो यस और नो, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड लिखें इसको।
या इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हो बेंजोइल क्लोराइड। किससे बना है ये एनहाइड्राइट? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, बेंजीन कार्बोक्सी एनहाइड्राइट। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइट। बेंजाइल मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बेंजाइल कभी कोई लोग बेंजोइल कैसे बोलेंगे अपन, बेंजोइल नहीं बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। तो बेंजोइक बोल सकते हैं, बेंजोइल नहीं, बेंजोइक, बिल्कुल बेंजोइक एनहाइड्राइट लिख लीजिए ब्रैकेट में, बेंजोइक एनहाइड्राइट इसका सही है, बेंजोइक एनहाइड्राइट बिल्कुल सही कहा। मैं लिख देता हूं बेंजोइक एनहाइड्राइड। आ गई लैंग्वेज समझ में? अगर आपके पास दो बड़े ग्रुप आ जाएं, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल और एक मैंने ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, अब आएगी बाजे कौन बड़ा ग्रुप है, एस्टर या एसिड हैलाइड? एस्टर। तो एस्टर को ये मानते हुए 1 2 3, 3 पे हमारे पास क्या होगा, क्लोरो, क्लोरो कार्बोनिल, कार्बोनिल भी बोल सकते हैं या मेथेनोइल भी बोल सकते हैं। वन टू थ्री, हाँ मिथाइल और पहले आएगा, लो ये लो मिथाइल और फिर उसके बाद ब्रैकेट डैश बना दो, अब तो सही है, मिथाइल 3 क्लोरोकार्बोनाइल। अब आगे क्लोरो मिथाइल पहले लिखा जाए अल्फाबेटिकली, क्या लेना चाह रहे हो आप इसको पूरे को क्लोरो मिथाइल बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो होता है ये वाला पार्ट सबसे पहले लिखा जाता है एस्टर का, उसको तो अपन किसी भी और लोकेंड के प्रेफिक्स से पहले ही लिखते हैं, तो मिथाइल तो हमने लॉक कर दिया। फिर उसके बाद 3 क्लोरो कार्बोनाइल, अब क्या लिखें, बेंजीन, फिर उसके बाद कार्बेनोएट, एस्टर है ना, बेंजीन कार्बेनोएट, क्या लेना चाहिए हमें, कार्बोक्सीलेट, बेंजीन कार्बोक्सीलेट। चलिए लिखें,